हर एक व्यक्ति जीवन में केवल यही चाहता है कि उसके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे, धन का आगमन होता रहे। इसके लिए काफी ज्यादा प्रयास भी करते हैं, बहुत सारे लोग काफी मेहनत भी करते हैं, लेकिन काफी बार मेहनत का लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ नकारात्मक शक्तियां ऐसी होती हैं जो घर में ही बिल्कुल वास बनाकर रखती हैं और इन्हें केवल आप ही लेकर आते हैं। ये जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर से ही ये आपका संग पकड़ लेती हैं और आपके घर में वास करने लग जाती हैं और देखते ही देखते सब कुछ बिगाड़ना शुरू कर देती हैं। तो किस प्रकार ये कौन कौन सी व्यक्तियों को पकड़ती हैं, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे और किस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाओं को, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में वास बनाकर बैठी होती हैं, इन्हें बहुत ही आसानी से निकाला भी जा सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर सभी बातों को आप ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें बड़ी ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जितनी भी ये नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका भोजन केवल चिंता, परेशानी और समस्याएं ही होती हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में एक बार परेशानी या चिंता आती है, तो इस बात को आप खुद देख सकते हैं कि जैसे ही उसके जीवन में छोटी सी भी अगर परेशानी होती है, तो बस दिन प्रतिदिन उसके जीवन में समस्याएं, चिंता बढ़ती ही चली जाती हैं। फिर वह जितना भी प्रयास करता है, उन सभी प्रयास में, सभी मेहनतों में कोई भी लाभ उसे मिल ही नहीं पाता है। दुख की जो शुरुआत होती है वह बिल्कुल छोटी सी ही चीज से हो जाती है। अब काफी लोगों को इन बातों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें कि जब भी आप दुखी होते हैं और घर से बाहर जाते हैं, तो ये नकारात्मक शक्तियां हर जगह पर मौजूद रहती हैं और बस आपके दुख को देखकर इनको इनका भोजन प्राप्त हो जाता है और ये आपका संग ही पकड़ लेती हैं। इसी प्रकार ये आपके घर में भी आ जाती हैं और वास बनाकर रहने लग जाती हैं। इसीलिए काफी बार ऐसा भी होता है कि अपने खुद के ही घर में मन ही नहीं लगता है, बहुत ही ज्यादा चिंता परेशानी होने लग जाती है। बिना ही किसी बात के मन में तरह तरह के विचार चलने लग जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उस घर में नकारात्मक शक्तियां अपना वास बना लेती हैं, और जब वास ही बना लेती हैं तो उन घर में जो लोग रह रहे होते हैं उन्हीं को अपना शिकार बनाकर उन्हें दुख देने लग जाती हैं। यही कारण होता है कि मन में बहुत ही अधिक चिंता, घबराहट होने लग जाती है और सभी कार्य तुरंत ही बिगड़ने लग जाते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार आपको बताया है कि ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये घर में इस तरह से वास बनाती हैं जहां पर आप रोज अपना हाथ नहीं डाल पाते हैं, या फिर जहां पर रोज झाड़ू पोछा आदि वगैरह नहीं होता है, जैसे कि बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर, इस प्रकार से जहां पर भी बहुत ज्यादा धूल मिट्टी आपको मिलती है, बस वही इनका मुख्य स्थान होता है। अब दोस्तों इन नकारात्मक शक्तियों को निकालने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो घर में रखकर इनसे बिल्कुल छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये है कि काफी लोग अपने घर में पायदान रखते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि एक फिट करी को आपको बिल्कुल पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लेना है और इसे कागज में भर के इसकी छोटी छोटी जो पुड़ियां हैं वो आपको बना लेनी है, और ये बनाकर आपको घर का जो पायदान है उसके नीचे एक एक आपको रख देनी है। इस प्रकार करने से जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह पैरों के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए जूते, चप्पल आदि बाहर के जो आप घर से बाहर यूज करते हैं, उन्हें घर में बिल्कुल भी आपको नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि केवल नकारात्मक शक्तियां आपके जूते और चप्पलों के माध्यम से ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखा करें कि अगर हो सके तो आप अपने जूते या चप्पलों को घर से बाहर ही रखा करें, एक शू रैक घर से बाहर भी रख लिया करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि घर का जो पायदान है, जो बाहर की तरफ आप रखते हैं, उसके नीचे आप फिटकरी को रख दिया करें और उसके ऊपर जब बाहर से आया करें तो बस उसके ऊपर चढ़कर आया करें। फिटकरी जो होती है उसमें न्यूट्रलाइज करने की पावर होती है, यानी कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उसके संपर्क में आते ही तुरंत ही भाग खड़ी होती हैं। इसीलिए फिटकरी का जो इस्तेमाल होता है वह नजर उतारने के लिए भी किया जाता है कि जिस भी व्यक्ति को अगर नजर लगी हो तो उसके ऊपर से अगर 21 बार फिटकरी को उतार कर घर से बाहर फेंक दिया जाए तो उसकी नजर भी तुरंत ही उतर जाती है। इसी प्रकार आपको दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जहाँ पर आप रोज साफ सफाई आदि नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फिटकरी का पाउडर उसको पीस कर बिल्कुल वहाँ पर बिखेर देना चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, ये जो ऊर्जाएं होती हैं, जो सब कुछ जिंदगी में बिल्कुल बिगाड़ कर रख देती हैं, ये घर में वास बना ही ना पाए। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर महीने फिर आपको इस प्रयोग को करना है, क्योंकि एक महीने बाद जो फिटकरी खुली हुई रखी होती है
जिसको पाउडर बना दिया जाता है, इसका प्रभाव एक महीने तक ही रहता है। एक महीने बाद बिल्कुल यह समाप्त हो जाता है। तो जो पायदान के नीचे या फिटकरी का पाउडर बनाकर पुड़िया बनाकर रखेंगे, उसे हर महीने आपको फिर बदलना है। और जो पुरानी फिटकरी होती है, इसे आप फ्लश कर सकते हैं। इसको बिल्कुल भी छुएं नहीं, क्योंकि इसमें संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां होती हैं। तो जैसे ही आप इसे छू लेंगे, तो हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए कागज में पुड़िया बनाकर ही इस फिटकरी को, पाउडर को आपको पायदान के नीचे रखना है। और बाद में इस पुड़िया को या तो कूड़ेदान में या फिर फ्लश में आप बहा सकते हैं। और अपने हाथों को बाद में धोकर अच्छी तरह से साफ करना बिल्कुल भी आप ना भूलें, क्योंकि अगर आप हाथ साफ नहीं करेंगे तो ये नकारात्मक शक्तियां फिर से आपको ही मिल जाएंगी। तो इसे बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक ही फेंकना है। अब इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके जो घर की खिड़कियां होती हैं, वहां पर भी ये कागज की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर आप वहां पर खिड़की में फंसा कर रख सकते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कहीं से भी घर में प्रवेश ना कर पाए। और जब घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर ही नहीं पाती हैं, तो उस घर में सुख समृद्धि आनी बिल्कुल निश्चित हो जाती है। क्योंकि जैसे ही नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, तो उस घर में जो लोग रह रहे होते हैं, वहां पर सुख और शांति का माहौल बनने लग जाता है। और माता लक्ष्मी को केवल सुख और शांति ही पसंद होती है। इसीलिए वही व्यक्ति केवल धनी बन पाता है जिसके मन में सुख और शांति हमेशा ही नदी की तरह बहती रहती है। वही केवल धनवान अपने जीवन में बनता है। तो इस बात को आप ध्यान रखा करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन के आगमन बढ़ता जाए, दसों दिशाओं से धन की प्राप्ति होती रहे, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनका जो व्यापार है, उनकी जो नौकरी है, उसमें कोई भी लाभ उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है, तो आपको बता दें कि जो शाम का जो समय होता है, जिस समय सूरज ढल रहा होता है, आधा डूब जाता है, तो उसी समय आपको केवल अपने घर में कुछ खास क्रिया को करना चाहिए, क्योंकि यही वो जो समय होता है। इसी समय पर अगर खास क्रियाएं की जाती हैं, तो इससे जीवन में, घर में बहुत ही ज़्यादा सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। धन के जितने भी आपके जो स्रोत हैं, वे स्थायी हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों की समस्या ये भी होती है कि उन्हें धन प्राप्त होता है, लेकिन उसका कुछ भी वे बना ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल फिजूल खर्च हो जाता है, बेकार हो जाता है, कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो धन को बिल्कुल स्थायी बनाए रखने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शाम का जो समय होता है, उस समय आपको अपने पूरे घर में इलायची और कपूर और लौंग की धुनी देनी है। केवल इतना करने मात्र से धन आकर्षित होता है और शत्रु बिल्कुल शक्तिहीन ही हो जाते हैं। जिस भी घर में लौंग, इलायची और कपूर रोजाना जलाया जाता है, उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर ही नहीं पाती हैं। वहां पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि इलायची जो होती है वह शुक्र ग्रह की कारक वस्तु होती है। और उस व्यक्ति को धन तभी प्राप्त होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, धन आकर्षित करना चाहता है, उसे केवल तभी होता है जब उसका शुक्र ग्रह बलवान होता है। और जिस भी घर में इलायची, लौंग और कपूर की धुनी शाम के समय दी जाती है, इस बात का ध्यान रखा करें कि या तो ब्रह्मा मुहूर्त को आप चुन लें या फिर शाम का समय आप चुन लें। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोजाना केवल उसी समय पर जिस समय सूरज डूबता है, घड़ी को आप ना देखें बल्कि सूरज को देखें, क्योंकि सूरज के जो उगने की और डूबने की जो स्थिति होती है और समय होता है, वो घड़ी के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि प्राकृतिक हिसाब से चलता है। तो बिल्कुल प्राकृतिक हिसाब से ही ये चीजों को आपको करना है। तो या तो जिस समय सूरज उग रहा होता है उस समय आपको करना है, या फिर सूरज डूबते समय इन चीजों को करके लाभ उठाया जा सकता है। जितनी भी अध्यात्म की जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जैसे ध्यान आदि वगैरह होता है, मंत्र साधनाएं होती हैं, मंत्र प्रयोग होते हैं, तो यही जो दो समय होते हैं, उन्हीं दो समय में ये चीजें लाभकारी होती हैं। तो जो भी खास चीजें आप करते हैं, रोजाना करते हैं, केवल इन्हीं समय पर करने से जीवन में खास परिवर्तन आता है। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल बटन दबा दें, जिससे इसी तरह की खास जानकारी वाली वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।